दोस्तों नए एडवेंचर राइड पर जाने की पूरी तैयारी मैंने कर ली है। ये एक्सोर का दिया हुआ बैग है जिसको मैंने एक्स्ट्रा क्लोथ्स कैरी करने के हिसाब से रख लिया है, क्योंकि मुझे मेरे बैकपैक पर पूरा भरोसा नहीं था और मॉनसून भी चल रहा है तो कभी भी बारिश हो सकती है। बट एक चीज़ है यहाँ पर, जो एक क्लैंप है नंबर प्लेट का, ये मुझे शुरू से तकलीफ देता आ रहा है। एंड अब मुझे लगता है कि नंबर प्लेट क्लैंप अगर किसी को लगाना है तो एडवेंचर राइड वगैरह अवॉइड करनी चाहिए या फिर इसको रेगुलरली टाइट करते रहना चाहिए। लकीली मैं अपने बैकपैक में हमेशा इसके साइज का एक एलन की कैरी कर ही रहा हूँ, तो उसको कभी भी टाइट कर सकता हूँ जब भी मुझे रिक्वायरमेंट आए बीच रास्ते में भी। तो जाने के पहले मैंने नोटिस किया थोड़ा सा लूज हो गया, तो उसको पहले से मैं टाइट करके चल रहा हूँ। आप भी अगर इसको यूज करते हो तो हमेशा इसको टाइट करते रहो, क्योंकि ये रास्ते में चलते चलते एक्सीडेंटली कभी टायर के सामने भी आ सकता है। जाने के पहले मैं गाड़ी का फुल टैंक पेट्रोल कर लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए एवरेज टेस्ट भी करना है। R15 वाला स्पोर्टी प्रीमियम इंजन ऑयल डाला हुआ है जो मैंने इसमें, उसकी वजह से तो लगभग 150 या 170 किलोमीटर की जो मेरी आज राइड होगी उसके साथ में मैं फुल टैंक मेथड से आपको एवरेज भी चेक करके बताऊंगा। वैसे भी परफॉर्मेंस राइड करने वाला हूँ, बहुत अच्छा एवरेज में टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स स्टिल सी कि परफॉर्मेंस राइड करते हो जिसके पर्पज से R15 का इंजन ऑयल डाला था तो कैसा माइलेज मिलता है आपको, और वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ से मुझे मेरे अजीज दोस्त आलोक भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। FZ25 लेकर के वो आए हैं, कई दिनों बाद हम लोगों को राइड करने का मौका मिला। लंबी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था टाइम एडजस्ट। नागपुर से बाहर निकलते निकलते हमें और भी कुछ राइडर्स ज्वाइन करेंगे, जैसे कि डोमिनर के साथ में अपने विभोर भाई और एक नया फ्रेंड भी ज्वाइन होने वाला है यहाँ से। तो नागपुर के इंदौरा स्क्वायर से थोड़ा आगे चलने पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ से विभोर भाई अपने डोमिनार 400 के साथ में। लास्ट टाइम जब इनके साथ हमने एडवेंचर राइड की थी तब भी काफी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा था, और आज भी हमारी बहुत स्पेशल राइड रहने वाली है, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं आज कुछ तो भी बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे, नई चीजें देखेंगे, कुछ नए फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भी करेंगे, कुछ अच्छे मोमेंट्स लेकर आएंगे सभी राइड एंथुसियास्ट लोगों के लिए, और एक नया फ्रेंड भी अपनी FZS मैट ब्लू के साथ हमें ज्वाइन करने वाला है यहाँ पर। फाइनली ही इज हियर एंड अब चारों गाड़ियां जाने के लिए तैयार है, बट ये क्या यहाँ पर कुछ तो भी स्पेशल लेकर आए हैं लगता है। क्या है भाई ये क्या है? अबे क्या है कागज? स्कूल प्रोजेक्ट है क्या? ट्रेजर हंट कुछ दिख रहा है। क्या दिखा है? ट्रेजर हंट। अबे ये क्या है? कंपस मैप टाइप का आइटम है भाई, तो कहाँ से लाया भाई? क्या है भाई ये? अरे विभोर भाई बताओ ना, देखा देखा लग रहा है क्या? ये तो कुछ मैप का दिख रहा है। ये तो क्या है? अरे ये क्या है? पेट्रोल डाला क्या? ये क्या है? ये तो अपना ऑरेंज सिटी लग रहा है। ऑरेंज सिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं है? वो भी चलो वहाँ से तो अपना भी आए। ये जाते 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 इधर भी कुछ है एक्स। ये क्या ख़त्म होने वाला है कि कुछ मिलेगा उधर खजाना? हाँ वही ट्रेजर लिखा है, देखते क्या है, घूमते जाके टाइम तो करना ही कहीं ना कहीं, राइड भी करना है। यहाँ यहाँ कैसे पहुँचेंगे? ये कौन सी जगह हो गया आलोक भाई? कौन सा स्क्वायर है? जी से कुछ नाम है इसका, गरोड़ा स्क्वायर कुछ, मतलब चील टाइप का लग रहा, तो गरोड़ा स्क्वायर होगा पक्का? तेरी गारंटी? तेरी गारंटी? हाँ ठीक है, चल चल के आते देख के आते हैं। यहाँ कुछ दिखा तो फिर आगे जाने का समझ में आएगा, नहीं तो फिर ख़त्म कर देंगे उधर ही, तो मिल जाएगा ना। चल फिर बंद कर, याद रखना गरुड़ स्क्वायर लेके तू चलेगा तो आगे चलेगा अभी। हाँ। कि मैप अभी तेरी जिम्मेदारी। चलो भाई लोग चलते। सो एक अनोखा सा मैप अपने हाथ में लग गया है, तो चारों राइडर्स अब उस मैप को फॉलो करना चाहते हैं। पता नहीं उसमें क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बट कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए निकले थे तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देख ही लेते हैं। अगर कुछ नया मिल भी जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग राइड करने के लिए तो वैसे भी निकले ही हैं। हमारा अंदाजा है कि मैप का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ऑरेंज और रुपी सिंबल जो बना हुआ था उसका मतलब ये हो सकता है ऑरेंज सिटी नागपुर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला पॉइंट, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर होता भी तो हमने उसको ऑलरेडी क्रॉस कर लिया था, इसलिए हम सेकंड पॉइंट पर बढ़ रहे हैं। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not हुआ है। और देखते हैं यहाँ से हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं, मैं आपको दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। स्क्वायर दिख गया तू बोला तो अभी, लेकिन आगे क्या करना दिख रहा है मेरे को? ये कुछ दिख रहा है कि ट्रेन का ब्रिज, साथ साथ में रोड है, साथ में चल पानी पानी है, और फिर वहाँ से मंदिर वगैरह कुछ है। चल देख लेते फिर, यहीं चले आगे। Thank you.
तीसरा पॉइंट जो था वो था रोडवेज एंड रेलवेज का एक ब्रिज था जो आप देख पा रहे हैं, दोनों ही ब्रिज आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया, इसका मतलब हम लोगों को रामटेक की तरफ ही बढ़ना है। हम लोगों को क्लू मिल चुका है, उस रास्ते पर हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं कौन कौन से क्लू और मैच करते जाएंगे। ये जो खूबसूरत सड़कें आप देख रहे हैं और साथ में जो जंगलों से घिरा हुआ हम लोगों का देख रहे हो, दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये जंगलों से घिरा हुआ इलाका ही है एक्चुअली, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत पास में, पेंच नाम की, पेंच टाइगर रिजर्व वगैरह जो है उसके कई सारे गेट ओपनिंग यहाँ पर छोटे छोटे इलाकों से होते हुए जाते हैं। तो उसमें से एक गेट है चोर बावली वाला। सो इस रास्ते पर बीच बीच में कई सारे साइन बोर्ड वगैरह हमें देखने को मिलने वाले हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह यहाँ से गुजरते हैं, हमें ड्राइव स्लो वगैरह करना है एंड और भी कई सारे साइन बोर्ड आपको नोटिस करवाऊंगा मैं। इसी तरह से मैप में दिया हुआ एक पॉइंट जो टाइगर का फेस था वो इसी Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need it. बहुत आ रहा है, लोकेशन काफी खूबसूरत भी है। मैप को थोड़ा सा फॉलो करते हुए, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस यूज करते हुए हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। मजा भी आ रहा है, राइडिंग के लिए अच्छी लोकेशन भी है। अब अगर हमको कोई ट्रेजर ना भी मिला तो हम लोगों को दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी राइड एंजॉय कर ली और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी साथियों को एक साथ मजा भी काफी आ रहा है। बट मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को आज अचीव कर ही लेंगे और वो बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा हमारे लिए।
मौका हमने अपने आप को दिया और मैप खोल करके देख रहे हैं कि यार क्या यहाँ इस लोकेशन पर कुछ हिंट मिल रहा है। अगर हिंट नहीं मिलता है तो भी थोड़ा बहुत ढूंढ लेंगे, क्योंकि आए हैं, खाना भी खा लिया है, थोड़ी एनर्जी आ चुकी है, तो ढूंढने में क्या हर्ज है, थोड़ी सी एनर्जी लगा लेते इतनी एनर्जी। आपको पिछली बार भी एक वीडियो में बताया था कि मैं गिव अवे में शाइन एक्सप्रो के 2 माइक्रोफाइबर क्लोथ जो बड़े साइज के हैं वो देने वाला हूँ अपने कुछ खास राइडर्स एंड सब्सक्राइबर्स को। तो मुझे आज मौका मिला तो ये खूबसूरत माइक्रोफाइबर क्लोथ मैंने 2 राइडर्स को दे दिए हैं, ताकि वो अपनी बाइक्स को बहुत अच्छी तरह से साफ रख सके और उन्हें भी काफी खुशी हुई इतना अच्छी क्वालिटी का, इतने अच्छे ब्रांड का माइक्रोफाइबर क्लोथ पा करके। अगर आप भी इस तरह के गिव अवे में मुझसे पाना चाहते हो तो इस चैनल को और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताओ इस वीडियो का, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ से हमारी असली एडवेंचर राइड शुरू होने वाली है। हम लोग आगे फोर्ट पर जाएंगे और रिटर्न जर्नी भी मैं बताऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 170 किलोमीटर के राइड करने के बाद में स्पोर्टी बीएमएम इंजन ऑयल ने मुझे कितना माइलेज अचीव करने में हेल्प करी है। तो ऐसे सभी मेरे फ्यूचर वीडियोज, अच्छी राइडिंग वीडियोज और सारे इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड safe.